वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग माता रानी की तरह से होंगे। तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो गाइस एक नए दिन के साथ नई ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो हम जा रहे हैं आज छड़नदेव की तरफ। तो आज है विक्रम भाई की शादी, तो आज है मेहंदी। तो आज मेहंदी में मेहंदी अटेंड करने जा रहे बताए तो। और जो विक्रम भाई लोग हैं, अनु भाई लोग हैं, तो मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो उनका कल परसों कॉल पर कॉल आ रही थी उनकी, तो अनु भाई ने बुला रखे हैं वहाँ। तो जस्ट मेरे साथ आ रहे हैं कमल भाई और मैं जा रहे हैं साथ में। और जस्ट मैं भी आपका माहिदा की शॉप में गए, तो देख सकते हैं भाभी है दुकान में। और ये रही भाभी गाइस, तो गाइस देख सकते हैं ये रही हमारी भाभी। और ये रहे कमल भाई हमारे गाइस, तो देख सकते हैं यार। तो जस्ट हम लोग आ रहे अभी शादी में मेहंदी में गाइस। आज तो मेहंदी है। और अभी कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे कमल से, कुछ कह रहे थे भाभी। बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। हां नहीं नहीं उसके बाद भी कह रहे थे कुछ अपना तो हीरो बने रहता और हम तो ऐसे बने रहते हमारी वीडियो निकाल लेते बोल भाभी यार। तो गाय समझारते आप बताए तो मेहंदी में, तो विक्रम भाई को मेहंदी में आज। तो जैसे भी सुंडी भी आ रहा है साथ में, सुंडी मैं और कम भाई आएंगे, हम तीन जने जा रहे हैं। तो चलते निकलते हैं और आपको डायरेक्ट मिलेंगे मोटो ब्लॉग डायरेक्ट भाई। तो गाय सोच के रेडी, तो कमल भाई से बैठ गए सुंडी के साथ। अरे कमल भाई कह रहे कि छोड़ के आ गए भाभी, चलते मेरा ठीक है भाभी। तो गाइस मैं तो पहुंच गया हूँ दारदेल से आगे। तो जस्ट मैं निकल चुका हूँ अभी चौकी से भी आगे, तो चेक पोस्ट आए हैं, तो उससे भी आगे निकल चुका हूँ मैं। तो जैसे पता नहीं कमल भाई और सुनील भाई तो पीछे छूट गए थे, तो मैं तो कुछ यार ऐसे ही चल रहा था मुंबई राइड में। तो जस्ट वो भी आते होंगे, तो फिर साथ साथ निकलता हूँ यहाँ से यार। तो गाइस भाई लोग पहुँच चुके हैं जस्ट, यहाँ करीब मैंने 10-15 मिनट वेट किया होगा, तो उसके बाद भाई लोग पहुँचे। देखो यार गाइस, तो हमारा असली गब्बर ये रहा गाइस। तो वैसे सुनील है ना, हम प्यार से बताओ, प्यार से हम गब्बर कहते हैं रियल में बताऊँ तो। और सुनील नाम है, बता दो सुनील हमारा, मेरे भाई का नाम सुनील मल्ला। और उनको उसका परिचय दे क्यों क्या दिए यार गाइस आपको ना। और जिसकी मेहंदी यार बताओ इसके बारे में, मेहंदी के बारे में, किसकी मेहंदी है कौन भाई? बारू भाई मत कौन है यार, अब नाम विक्रम भाई, क्या है विक्रम भाई, विपिन भाई, हाँ वही तो कह रहा हूँ, विपिन भाई की मेहंदी है यार गाइस आप लोग को बताऊँ तो ना। और इन दोनों के क्लासमेट है उसके साथ के, तो मेरे भी सब्सक्राइबर तो उसके उससे जाना पड़ रहा है मेरे बताऊँ तो यार गाइस। तो काफ़ी लेट हो चुके हैं, 3-4 बज चुके हैं गाइस, तो निकलते हैं हम टैक। तो जैसे आगे गया है कमल भाई भी निकला आगे। कमल भाई हमारा कौन बताया था, छड़नदेव वाला कमल एरी जी, जो फौजी हमारे कमल भाई, तो नीरू के जो बड़े भाई हैं, तो वो भी आगे निकल गए। तो हमने उससे भी वेट करने के लिए कहा है, तो आगे जाइए अपना साथ मिलेंगे, तो गाइस सब साथ ही चलेंगे, तो साथ ही चलेगा, मज़ा कुछ और होता है फाड़ में यार, सब साथ में है गाइस। तो चलते हैं फिर आगे, आगे मिलता है मोटो ब्लॉग का टाइम। इनने पूरी आज राइड की पूरी रेड मारने वाले में कैसा लग रहा है यार। तो पहले और था कि पंकू नहीं आया करके, पंकू नहीं आ रहा करके, लेकिन जस्ट अभी पता नहीं पंकू को पता नहीं क्या है यार ना। तो आधे रास्ते में कम मोबाइलों को उतार के वो चले गया पंकू। अब पंकू पहले मार्केट जाएगा, मार्केट से अपने रूम में जाएगा, फिर तैयार होकर फिर आएगा गाइस आप लोगों को बताऊँ तो यार। और कमल भाई लोग पीछे रास्ते में उसके लिए वेट कर रहे हैं यार, सोचो पता नहीं क्या यार। ऐसे यार मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया यार अभी। और आगे जस्ट थोड़ा आगे बताऊँ तो कमल भाई मेरा वेट कर रहे हैं यार, फौजी भाई ना। कैसा है मेरा भाई यार, रुकवा दिया मैं, उसके बाद कहूँगी पंकू आ रहे हैं। तो कम्मू भाई अपना ये ला, फौजी भाई का मेरे भाई बड़े डेम्बा मिल मेरे को दिखा, मैंने कहा ये भाई पंकू यार, पंकू बड़ा गंदा। तो गाइस मैं पहुंच चुका था आपका पलेडा, तो जस्ट में पलेडा पहुंच गया, मैंने चाय पिया काकू का, तो काकू का होटल ये रहा गाइस, तो काकू अपने ये रहे गाइस। तो देख सकते हैं आप लोग यार, तो जब भी मैं इस रोड में ट्रैवल करता हूँ तो काकू यहाँ पक्का रुकता हूँ, काकू यहाँ रुक के पक्का चाय पी के दादा आगे निकलता हूँ, उसके बाद आगे मैं। तो वैसे कम भाई लोग तो पीछे है अभी बताया तो वो आए नहीं है लोग, क्योंकि यार पंकू गया है मार्केट, पंकू तो आएगा मार्केट से पहले तैयार होकर आएगा, फिर आएगा वो, तो उसके बाद फिर कम भाई उनको रिसीव करेगा, फिर आएंगे वो लोग आगे। तब तक कम और मैं जो फौजी भाई हमारे कम भाई और मैं यहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ से मैं निकलूँगा अभी छड़नदेव की तरफ, तो छड़नदेव जाके वेट करूँगा वहाँ। तो निकलते गाइस, मिलता हूँ डायरेक्ट मुंड ब्लॉक पर। We'll be right back.
पहुंच चुके हैं आपको कलान जी ना, तो जस्ट तो कलान जी आगे थोड़ा 5 मिनट के लिए वेट कर रहे हैं। तो हम भाई अंदर ATM में गए हैं, जस्ट मैं बाहर ही हूँ गाइस, तो देख सकते हैं यार। तो कलान जी ना काफ़ी बार आपने मेरे ब्लॉग पे देखा होगा, छोटी सी मार्केट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, पिथौरागढ़ से अराउंड 30 किलोमीटर की दूरी पर बताऊँ तो यार, और छोटी सी मार्केट है। जैसे थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा आगे जाने के बाद हम लोग आपको बताएंगे राइट लेफ्ट राइट कटेंगे वहाँ से, तो वहाँ से निकलेंगे हम छड़े निकले गाइस। तो जैसे कमू भाई आएंगे अंदर से ATM से, तो उसके बाद निकलते फिर। Live my life as a thug, nigga, till the day I die. Live my life as a boss player, was even getting high. These niggas got me. तो गाइस ये आ रहे हमारे कमल भाई, फोन जी भाई पैदल पैदल भाई 500 रुपये बता दिए नहीं तो पीछे चल लेते चालान यार, भाई लोगों ने बता दिए चालान चलने करके, आप लोगों ने देख लिया होगा ब्लॉग में गाइस यार, चलते हैं फिर यार। तो गाइस आज को मैं आपका पुरानी रोड पे जो पीपली वाली रोड थी, तो जिसमें मैंने पीछे से राइड मारी थी गाइस, आप लोगों ने देखी होगी राइड धारचुला वाली, तो आज उसी रोड पर दोबारा देखो। तो गाइस पहुंच चुका हूं मैं आपका छड़नदेव, तो देख सकते हैं गाइस ये रही लजदा की दुकान और ये रहे कम्मू भाई की दुकान गाइस। तो कम्मू भाई यहीं तक है हमारे साथ, अब यहां से जाएंगे हम आगे को, कमल भाई लोगों को यहीं वेट करूंगा, बताओ यहां कम्मू भाई लोग का, तो कम्मू भाई लोग का यहीं वेट करूंगा, तो उसके बाद देखते फिर आगे। प्रणाम आपको छड़न तो आपको पता ही है, तो कोई मैलो की शॉप में अभी मैं तो ढुलवा के बाद अभी चाय पीनी मैंने यहाँ पर, तो आप मौसम देखना गाइस यार, मौसम तो कुछ टाइप से हो गया ना गाइस, क्या बताऊँ। और कमल भाई लोग कलांचना पहुँच गए थे, जैसे कलांचना से निकलने वाले, वो निकल गए शहर, निकल गए होंगे अभी, तो अभी आधे रास्ते तो हुए भी करीबन आधा घंटा मेरे वेट करना पड़ेगा उनके लिए यार, तो उसके बाद निकलूंगा मैं यहाँ से। मतलब गाइस मौसम तो काफ़ी डेंजर हो गया है यार, दिख रहा होगा आप लोगों को यार। तो गाइस यहाँ देखो जस्ट अभी यहाँ बारिश हुई है, तो बारिश होने के बाद देखो गाइस यार जस्ट अभी मौसम खुला है, और मौसम खुलने के बाद ये देखो गाइस रेनबो काफ़ी प्यारा दिख रहा है यार वैसे ना रेनबो। और कम्मू भाई और मैं यहाँ पर शूट कर रहे हैं इसको यार, देखो कम्मू भाई अपना वो रहा गाइस देख लेंगे यार, और जैसे कमल भाई लोग भी पहुँचने वाले हैं, और जस्ट कमल भाई भी बोलो कमल भाई लोग भी पहुँचने वाले आपको बता दो, जस्ट अभी बारिश हो रही है यार आपको दिख रहा होगा पूरा गीला यार, और वो रही अपनी डेविल, जस्ट कमल भाई लोग पहुँचने वाले अभी थोड़ी देर में, जैसे वो पहुँचेंगे तो उसके बाद निकलते गाइस। तो देखो लेकिन रैम्बो यार काफ़ी प्यारा लग रहा है यार गाइस, काफ़ी तगड़ा सीन यार। गाइस ये देखो जस्ट करीबन 1 घंटा वेट किया होगा, 1 घंटा वेट करने के बाद देखो गाइस हम पहुंचे हैं पंकु मेरा भाई, तो इसके चक्कर में गाइस एक था बंदा कौन पंकु भाई, तो इसके चक्कर में हम क्या हुए लेट या आप बोला देखो गाइस, और अपना ये रहा देखो गाइस एक बंदा ये रहा, जानते हो गाइस जानते हो इस बंदे को, बोलना नहीं है इसके बारे में कुछ। तो गाइस अब यहाँ से निकलेंगे गाइस, सुन ली भाई आ रहे हैं अभी जैसे पीछे मिलने गए हैं, तो उसके बाद निकलेंगे हम कहाँ दिखे भाई किसकी भाई किस किस में विपिन विपिन भाई की विपिन भाई उर्फ बारूद भाई की नहीं विपिन भाई विपिन चंद जोशी उर्फ बारूद भाई की मेहंदी में गाइस। तो यार आप लोगों को मिलाएंगे बारूद भाई से भी, ऐसा नहीं है गाइस, तो भी आपने सब्सक्राइबर है, आप मेरे प्यारे सब्सक्राइबर है, वो तो डेली जब भी यार कुछ होता है तो मेरे को हमेशा ब्लॉग हमेशा मैं बताऊँ तो रियल में बताऊँ तो हमेशा यार तो कॉल वगैरह करते रहते हैं मेरे को, तो हमने सोचा कि यार चलने करके यार, तो उनका कॉल भी आया था मेरे को, तो कमल भाई से भी कहा था उन लोगों ने, तो मैंने सोचा कि चलते करके, तो आज है उनके भाई की मेहंदी बारूद भाई की, तो कल जाएगी शादी आपको जाने तारीख पर, तो इस चक्कर में हम जा रहे हैं गाइस मेहंदी में, तो निकलते भी यहाँ से भाई लोग भी आ चुके हैं, तो जैसे इन्हीं का वेट कर रहा था, तो निकलते यहाँ से कम्मू भाई भी चलेगी अपने घर अभी, तो जस्ट आप लोगों को बताया मैं हूँ छड़नदेव में, तो गाइस ये है छड़नदेव का पूरा एरिया, तो मेन मार्केट वहाँ भी है, तो जैसे छोटी सी मार्केट इधर भी है बताऊँ तो, और जस्ट यहाँ से आपको बताया नीरू भाई का गाँव भी यहीं हुआ, तो उस चक्कर से गाइस तो कम्मू भाई तो चलेगी घर, तो कम्मू भाई तो यहीं तक मेरे साथ, तो यहाँ से जाएंगे मैं अकेला, हम मैं तो आऊँगा यहाँ से अकेला, तो चलते हैं गाइस, और इन दोनों की तो पता नहीं किस चीज़ की भैंस ली। तो गाइस जैसे हम पहुँच गए आपको बताएं तो मिल जाएगी वहाँ, और बताएं तो रास्ता ना गाइस यार क्या बताएं आपको, फुल गाँव वाली फीलिंग, तो नीचे बहती है एक रिवर, तो रिवर के बीच से आना था उन्होंने बताया, तो गाड़ी जैसे हमने पार्क कर दिया, और उसके पहले डाउन आए हम लोग करीबन 10 मिनट नहीं, हम 10 मिनट डाउन आए, फिर उसके बाद हम करीबन 10 या 15 मिनट हम चढ़ाए आए गाइस, तो सोच ही सकते हैं हम पहाड़ों में कितना ट्रैवल है यार गाइस, तो कितना वो है यार डब लाइव है नहीं कम्मू भाई। तो जस्ट हम पहुंच गए भाई विपिन भाई की शादी में मेहंदी में, चलो बस 5 मिनट की दूरी पे है, तो आपको ले चलते हैं थोड़ी में, तो सर थोड़ा आगे है गाइस, आप लोग बताऊँ तो फ्लैश की जानते हुए साली की कमी पड़ी है हमें, तो मिलते हैं आप लोग से आगे अब।
गाइस हम पहुंच चुके हैं आपका विपिन भाई के वहाँ। तो ये है अपने दूल्हे साहब जिनके यहाँ मेहंदी है। तो गाइस ये है अपने विपिन भाई, तो देख सकते हैं गाइस उससे हम भाई पहुंचे हैं आपको बताएं। तो विपिन भाई यहाँ देखो ज्यादा खुशी। तो गाइस देख सकते हैं सुनने हम लोग पहुंच चुके थे आपको बताएं। तो अनु भाई तो नीचे चले गए, जस्ट हम लोग अभी आए थे बारू भाई हमसे मिलेंगे विपिन भाई। तो उसके बाद बस 5 मिनट की देरी है जिसमें अभी तैयार होता है, तो मैं अभी हाथ में हूँ तैयार होता हूँ, तो उसके बाद मिलता आप लोगों को। ओ जरा मठू मठू